जी हाँ दोस्तों, क्या हाल है? तो दोस्तों, ओप्पो की तरफ से एक बड़ा धमाका होने वाला है पाकिस्तान के अंदर। जी हाँ दोस्तों, ओप्पो की वेबसाइट पर कुछ लीक्स निकल कर सामने आई है कि ओप्पो वाले अपना ओप्पो फाइंड एक्स थ्री ये वाला स्मार्टफोन लॉन्च करने वाले हैं। ये पहले चाइना के अंदर लॉन्च होगा, फिर इसको पाकिस्तान के अंदर देखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ओप्पो फाइंड एक्स थ्री ये वाला स्मार्टफोन एक तगड़ी स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च होने वाला है। इसकी प्राइस क्या होने वाली है एंड इसकी लॉन्चिंग डेट की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर कब लॉन्च होने वाला है, तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा तगड़ी मेहनत के साथ इस फोन का जो डिज़ाइन निकल कर सामने आने वाला है वो आईफोन 11 या आईफोन 12 प्रो जैसा सेम देखने के लिए मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ओप्पो वालों ने काफ़ी ज़्यादा तगड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ इस वाले स्मार्टफोन का डिज़ाइन बनाया है, तो ये वाला स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा तगड़े डिज़ाइन के साथ लॉन्च होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, फोन के अंदर आपको क्वालकम स्नैपड्रैगन 888 का एक तगड़ा पावरफुल प्रोसेसर देखने के लिए मिलने वाला है, और कहा जा रहा है कि ओप्पो वालों ने ये वाला स्मार्टफोन का डिज़ाइन फर्स्ट बार हमें ये डिज़ाइन देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, क्वालकम स्नैपड्रैगन 880 के साथ ये वाला स्मार्टफोन गेमिंग के लिए एकदम से बेस्ट होने वाला है, क्योंकि इस वाले फोन के अंदर जो हमें डिस्प्ले देखने के लिए मिलने वाला 6.7 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जो कि ऑल लाइट डिस्प्ले है, फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ आता है, आपको सुपर एमोलेड का डिस्प्ले देखने के लिए मिलने वाला है, अच्छी क्वालिटी होने वाली है। डिस्प्ले के अंदर आपको कलर वगैरह काफी ज्यादा तगड़े देखने के लिए मिल सकते हैं, आप कोई भी चीज देख सकते हैं, तगड़ी क्वालिटी हर तरफ से देखने के लिए मिल सकती है आपको। सबसे तगड़ी बात है वो इस वाले फोन के अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिलने वाला है, और ग्रिल्ला ग्लास की भी तगड़ी सपोर्ट देखने के लिए मिलने वाली है। आपको इस वाले फोन के अंदर एंड्रॉइड 11 देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि काफी ज्यादा तगड़ा होने वाला है। अगर हम फोन की रैम की बात करते हैं, चल दो वेरिएंट में देखने के लिए मिल सकते हैं, 8GB की रैम 256GB की इंटरनल स्टोरेज एंड 12GB की रैम 256GB की इंटरनल स्टोरेज। तो दोस्तों, कैमरास की बात कर लें तो आपको इस वाले फोन की बैक साइड पर क्वाड कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलने वाला है, जो कि आईफोन शेप के अंदर दिया गया है, जिसमें आपको दो कैमरास 50-50 मेगापिक्सल के देखने के लिए मिलने वाले हैं, और आपको फोन के लेफ्ट कॉर्नर पर चोल देखने के लिए मिलने वाला है 32 मेगापिक्सल का एक तगड़ा कैमरा देखने के लिए मिल सकता है, प्लस 13 मेगापिक्सल 2x ऑप्टिकल जूम के साथ देखने के लिए मिलने वाला है, प्लस 3 मेगापिक्सल का एक कैमरा देखने के लिए मिलने वाला है। और ये भी कहा जा रहा है कि आपको जो दो कैमरास उसमें सोनी के सेंसर देखने के लिए मिलने वाले, सोनी के सेंसर IMX789 का देखने के लिए मिलेगा, काफी ज्यादा तगड़े सेंसर होने वाले हैं। तो दोस्तों, फिंगरप्रिंट गायरोस्कोप एंड अदर तगड़े तगड़े सेंसर भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं इस वाले फोन के अंदर। और फोन की बैटरी की बात कर लें तो आपको जो बैटरी देखने के लिए मिलने वाली है 45,000 mAh की तगड़ी बैटरी, और साथ में 65 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने के लिए मिलने वाली है, 30 मिनट के अंदर फोन की बैटरी को एकदम से फुल कर देगा। जी हाँ दोस्तों, फोन की लॉन्चिंग डेट की बात कर लें तो ये वाला स्मार्टफोन पाकिस्तान के अंदर आपको मार्च के लास्ट में देखने के लिए मिल सकता है। ओप्पो वाले काफ़ी ज़्यादा तगड़ा स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहे हैं, जैसे कि ओप्पो वाले ने अपनी ओप्पो रेनो 5 लॉन्च किया, जिसकी प्राइस 60,000 थी, काफ़ी ज़्यादा तगड़ी प्राइस इस वाले फ़ोन की भी रखी। अगर हम इस वाले फ़ोन की बात करें तो इसकी जो प्राइस निकल कर सामने आई है लीज के थ्रू, ये वाला स्मार्टफोन आपको 1,84,000 की रेंज में पाकिस्तान के अंदर देखने के लिए मिल सकता है, काफी ज्यादा तगड़ी प्राइस होने वाली है। इतनी प्राइस में आपको आईफोन भी देखने के लिए मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।